अस्सलाम वालेकुम, हाय व्यूवर, ये देखें अवैस भाई काम कर रहे हैं, जो नया जाल बनाया था इन्होंने अपने कज़न कैसर के साथ मिलके, अब उसकी रिपेयरिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा हिल रहा था जाल ऊपर से, तो उसकी रिपेयरिंग जारी है। ये देखें व्यूवर, यहाँ से ले गए वो ऊपर जाल है, देख लें अवैस कितने खतरों से खेलता है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। जाल की तैयारी हो रही है। अब आप ये ना समझना कि अवैध चिड़ी मार है, चिड़ी मार नहीं है, अवैध ने इधर उड़ने वाले कबूतर रखने, इंशाल्लाह पूरा शौक होगा तो हम अपने व्यूवर को भी दिखाएंगे सारे। अवैध चिड़ी मार नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये हम शौक कर रहे हैं, यहाँ पे हम कबूतर रखेंगे उड़ने वाले और अपने नाजरीन को पूरा शौक करवाएंगे। इसके अलावा ये देखें व्यूवर, ये सारे बच्चे उतार दिए हुए कबूतरों ने, ये देखें शौक करें। वैस भाई अब नीचे उतर रहे हैं, क्योंकि ये बाहर से लगानी पड़ेगी सीढ़ी, अंदर से काम ठीक नहीं हो रहा। देखें वैस भाई नीचे आ रहे हैं, या बाहर से सीढ़ी लगाएंगे फिर इसको ऊपर से ज़रा टाइट करेंगे जाल में। पटाके भी चल रहे, घबराना नहीं है आपको। वैसे भाई ये फटों पे रख के ना सीरी, फिर चलो हाँ आप कारीगर हो, आप कर लोगे सारा काम। अच्छा नाजरीन, ये व्यूवर एक खसूसी बात, अवैस भाई सारा काम जानते हैं, जाल बनाना जो किस्म किसी किस्म का काम हो अवैस भाई को आता है। तो अगर आपको कोई काम करवाना हो तो नीचे वैस भाई ने नंबर दिया हुआ, उस पर रब्ता कर सकते हैं आप। जाल बनवाना हो, पिजन वगैरह चाहिए हो, ये देखें अवैस जाल टाइट कर रहे हैं। और नाजरीन एक खसूसी बात ये भी बताऊं आपको, ये देखें ये भी वैस भाई ने बनाया जाल सारा, ये सारा लकड़ी का काम वैस भाई ने किया। ये देखें ये रास्ता रोकने के लिए सारे जाल वैस ने खुद तैयार किए, और ये सारा जाल वैस ने खुद बनाया। अगर वैस के पास वेल्डिंग का सामान होता ये भी तैयार इसने खुद ही कर लेना था, कारीगर बंदा है अगला। वैस भाई इधर देख के हाथ ला दे, ये देखें व्यूअर साहब को एंटरटेन कर रहे हैं हम, वो देखे कंदील उड़ रही है वहां, किधर है किधर है वैस, वो देखे हैप्पी न्यू ईयर के लिए लोगों ने ये हवा में उड़ाई है। ये देखें व्यूअर,
आज नया साल शुरू होने जा रहा है। अल्लाह पाक आपके आप सब के लिए भी बरकतों वाला साल करे, आमीन, और हमारे लिए भी खुशियां लाए ढेर सारी, आमीन। ये देखें नाज़रीन, अवैस भाई ने थोड़ा सा जाल टाइट कर दिया है, अब वो नीचे उतरने की तैयारी में है। बकाया काम हम इंशाल्लाह कल करेंगे और अब अवैस भाई आपको शौक करवाएंगे। किस चीज़ का शौक करवाऊंगी? कबूतरों का यार, तो आज आपको एक कबूतर का अपने शौक करवाता हूँ। व्यूअर अवैस भाई कह रहा आपको नए पट्टे का शौक करवाता हूँ। व्यूअर्स के लिए मैं आपको शौक करवाता हूँ, लाल पड़ी कबूतर का मियाँ साहब वाली ब्रीड है। लाल पड़ी कबूतर है मियाँ साहब, पट्टा लिया था मैंने मियाँ वाली का, लाल पड़ी कबूतर मियाँ वाली का नहीं है, मियाँ साहब का, मियाँ साहब का है लाल पड़ी कबूतर। आपको शौक करो माशाल्लाह, तीसरी चौथी गली है इसकी। बहुत ही आला पट्टा, शो करें व्यूअर, शो करें। और ये तस्वीर वाली और हीनो ग्रास पट्टी है, इसका भी शो करें। इसकी ये मेरे पास दो पट्टियाँ थी, एक पट्टी मर गई है, सर्दी की वजह से ध्यान नहीं दिया मैंने, जिसकी वजह से मैं मसरूफ था तो मर गया। ये तस्वीर वाली और हीनों का क्रास, ये हमने इंशाल्लाह जोरा लगाना। ये देख, ये भी पट्टी है, ये भी छवीं गली की है। वसीम भाई ने कहा था हमने आपको शौक करवा दिए, नीचे जो है ना ये देखें शौक कर आपको फिर किसी मूवी में जोड़े का शौक करवाने, ये जोड़ा लगाना है पट्ठा पट्ठियाँ भी, इंशाल्लाह आपको जोड़े का शौक करवाएंगे। वसीम भाई आए हुए हमारे पास, ले फ्रेंड्स हमें ज़्यादा दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, आपसे आपके लिए अच्छी अच्छी मूवी बनाएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह आपके लिए अच्छी अच्छी मूवी बनाएंगे। अल्लाह हाफिज़।